अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज मैं आप लोगों की खिदमत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेहतरीन हदीस पेश कर रही हूँ जो कुरान के बारे में है। और आप सभी हिंदू और मुस्लिम भाई बहनों से गुजारिश है कि इस पैगाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर मोमिन तक शेयर करें ताकि सभी मोमिन के इल्म में इजाफा हो जाए और कुरान करीम का मर्तबा और रुतबा हासिल कर सके इंशाअल्लाह। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन साहिब कुरान आएगा तो कुरान अपने रब से अर्ज करेगा, या अल्लाह इसको जीनत अता फरमा। फिर उसको इज्जत का ताज पहनाया जाएगा। फिर कुरान अर्ज करेगा, या अल्लाह इसको ज्यादा जीनत अता फरमा। फिर उसको इज्जत का जोड़ा पहनाया जाएगा। फिर कुरान अर्ज करेगा, या अल्लाह इससे राजी हो जा, तो अल्लाह सुभान व तआला उस साहिब कुरान से राजी हो जाएगा। फिर उससे कहा जाएगा कि पढ़ता जा और जन्नत के दर्जात पर चढ़ता जा, और हर आयत के बदले उसकी नेकियां ज्यादा की जाएगी।